एसडीएम हिमांशु अग्रवाल ने अमृतसर बस स्टैंड पर बस ऑपरेटरों को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त की और पंजाब के सभी 5 मिनी बस ऑपरेटरों ने आज अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अमृतसर प्रशासन के एसडीएम हिमांशु अग्रवाल आरटीए अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। बस ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार से बात की है। उन्होंने 17 मार्च को चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बस ऑपरेटरों से एक मांग पत्र भी लिया और उन्हें जूस पिलाकर उनको आगे की कार्रवाई रोक देने के लिए कहा। अनशन समाप्त हो गया। अमृतसर से ललित शर्मा। रिलेटेड पॉलिसी रिलेटेड मैटर है जी, जिन्हें इन्हों का स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है जी, उन्होंने वाले इन्हों की मंगा पहुँचाई जाऊँगियाँ। तो साढ़े पदों से यही है जी, जो भी इन्हों बनती कानूनी कार्रवाई की जाए जल्द तो जल्द की जाए जी। सर इन्हें मीटिंग होगी इन्हों जी, मीटिंग असं उच्च अधिकारियों ध्यान से लियावे ताकि इन्हें जल्द जल्द इन्हों की मीटिंग का समा दिलवाया जाए जी। मेरा नाम बलदेव सिंह बब्बू है, मैं अमृतसर जिले का प्रधान हाँ। मिनी बस ऑपरेटर यूनियन का एसडीएम साहब तो आरटीए साहब ADCP साहब पुलिस अफसर साढ़े को सारे अमृतसर जिले से पहुँचे। उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि पंजाब सरकार वालों DC साहब नू कहा गया तो DC साहब ने सानू भेजा मंग पत्र लैन वास्ते जिहड़ियां साडियां मंगां सी बिना शर्तों साडे परमिट रीन्यू किए जा, पासिंग फीसां वधाईयां नू वापस लिया जाए तो जिहड़े वधे टैक्स आ उन्होंने वापस लिया जाए। उन्होंने ये सानू भरोसा दवाया अज कि तुसीं जिहड़ी हड़ताल की है तुहाडी जायज़ सी, मंगां तुहाडियां जायज़ सी। इन्हों भुख हड़ताल तो अच्छ उठाने वास्ते साढ़े को अधिकारी पहुँचे ने, असी अज की जी भुख हड़ताल इतने बंद करते हैं। 5 दिन हो गए मेन मंगा साढ़िया ने साढ़े परमिट बिना शर्तों रीन्यू किए जाते, पासिंग फीसा वधाइया उन्होंने वापस लिया जाए तो टैक्स जरा वधाया वो वापस लिया जाए। बस ये साढ़िया मंगा ने। 15 मार्च में असी अल्टीमेटम दिता भी जी अज का भरोसा दवाया जे साढ़े ना ये धोखा किया गया तो फिर अं चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 मार्च को फिर इसे संघर्ष दे दौरान प्रशासन वालों ये गल कहा गया भी विश्वास बताया उन्होंने कि ताड़िया मंगा जड़िया जायज़ ने इन्हों मंगया जा मनाया जाएगा। हूँ भुख हड़ताल इतने खत्म की जा रही है।